Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students of 7th class. Hope all of you will be fine and receive my lecture in the best of your health. My dear students, today we are going to read our new topic, that is a wild dog pack. Yes, we will read about the dog ride in this chapter. So let's start the reading and kindly underline the difficult words with me. Let's start. She rode back into the main street and on down to a big crossroads. Rode back, वापस आई, main street, मतलब main गली से, on down, नीचे, to a big crossroads. Crossroads कहते हैं दुराहे को या रास्ते को. अच्छा, यहाँ पे एक girl का को उन्होंने mention किया है, जिसका नाम आगे हम जाके पढ़ेंगे, Margaret है, right? तो वो एक राइट पर जो है वो सफ़र कर रही है, और वो राइट क्या है वो आपको आगे आगे स्टोरी में पता लग जाएगा. ठीक, तो इधर देखिए, शी किसके लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मार्गरेट के लिए. एक गर्ल है वो राइट कर रही है, अब देखें उसके साथ आगे आगे क्या होता है. शी रोड बैक इनटू द मेन स्ट्रीट, वो मेन स्ट्रीट से या मेन गली से वापस आई, एंड ऑन डाउन टू अ बिग क्रॉस रोड्स, और कहाँ उस किसके नीचे आती है, एक बड़े दुराहे के नीचे आती है, मतलब दुराहे को आप रास्ता भी कह सकते हो, एक बड़े रास्ते से नीचे आई. द सन वॉज हाफ वे डाउन द स्काई नाउ, सन जो था वो ऑलमोस्ट जो आप कह लो कि आसमान से नीचे था, मीन्स यहाँ पे आपको डे की टाइमिंग बताई जा रही है. इट वॉज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे, ये सूरज जो है वो सेट हो रहा था, मतलब गरूब होने के करीब था, आसमान से नीचे आ रहा था, मीन्स एंड ऑफ द डे चल रहा था. एंड दैट मीन दैट द प्रॉपर डायरेक्शन मस्ट बी, और जिसका मतलब था कि अब सही सिमत होनी चाहिए. ठीक, बट एज शी कंसीडर्ड, लेकिन जैसे ही उसे समझ आई द पोजिशन ऑफ द शेडोज, किसकी पोजिशन समझ आई उसको, शेडोज की मतलब सायों की पोजिशन समझ आई. अब सायों का यहाँ पे कैसे क्यों उन्होंने जिक्र किया, बिकॉज ये एंड ऑफ द डे चल रहा था, एंड ऑफ द डे जब चल रहा था तो शेडो जो थे वो उसे नज़र आने लगे. पोजिशन शेडो, अ वाइट मॉन्गरेल टेरियर रैन आउट ऑफ अ लेन टू हर लेफ्ट. अच्छा, मॉन्गरेल टेरियर किसे कहते हैं, जस्ट ये होता है एक मिली जुली नस्ल का आप कह लो कि एनिमल होता है, टेरियर कहते हैं काइंड ऑफ डॉग को. ठीक, रैन आउट, वो उसके बाएं तरफ जो था लेन पर कौन किसका शेडो उसने देखा, अ वाइट मॉन्गरेल टेरियर, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉग का उसने क्या देखा, एक उसने शेडोज देखे. थ्रू बैक इट्स हेड, उसने अपना सर पीछे किया, एंड हॉल्ड, हॉल्ड कहते हैं डॉग की चीख को कह लो आप, कि उसने मतलब ना चीखा वो डॉग. द हाउल वॉज आंसर्ड बाई अदर्स फ्रॉम ऑल अराउंड. अच्छा, उसकी जो चीख थी ना उसको उसका फिर जवाब भी आया, और किसने दिया जवाब, उसके जो इर्द गिर्द और भी डॉग्स थे उन सब ने उस चीख का जवाब दिया. एंड एट वंस द टेरियर, वेरी लीन एंड डर्टी बट वेरी क्विक, लीन वैसे झुकने को कहते हैं, डर्टी गंदा, बट वेरी क्विक और बहुत जल्द, स्प्रैंग स्नार्लिंग टुवर्ड्स हर, वो उसकी तरफ उन्होंने छलांग लगा दी उस गर्ल के मार्गरेट की तरफ. थ्री मोर डॉग्स व्हील्ड आउट, अच्छा तीन और डॉग्स के जो थे वो व्हील उतर जाते हैं, मतलब वो भी उसकी तरफ जंप करते हैं. बींग फर्दर डाउन द लेफ्ट हैंड रोड, मतलब वो रोड का कौन सा पार्ट बता रहे हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो उसको छलांग लगाते हैं. स्क्रब शीट बट शी कैप्ट हर सीट, बेशक उन्होंने उसकी तरफ छलांग लगाई थी लेकिन वो जो मार्गरेट थी वो अपनी सीट पर बैठी रही. एंड शाउटेड एंड शुक द रेंस, और उसने लगाम लगाई, हिलाई, लगाम कहते हैं जो घोड़ों को या उसको हम उनके जो गले में रस्सी होती है या आप कह लो रोप होती है, वो उसको खींचा उसने. एट वंस ही वॉज ऑफ अप द स्ट्रीट इन फ्रंट, और अचानक से जो था वो गली के वो सामने था. द टेरियर यैल्पिंग एट हिज हील्स, जेल्पिंग किसको कहते हैं, बार्किंग को या भौंकने को. टेरियर में आपको एज मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ डॉग है. मार्गरेट ग्लांस्ड ओवर हर शोल्डर एंड सॉ दैट अनदर डोजन डॉग्स, अच्छा मैं ग्लांस्ड देखा, मार्गरेट ने कहाँ देखा, अपने शोल्डर अपने कंधे की तरफ देखा. एंड सॉ दैट अनदर डोजन डॉग्स, और उसने क्या देखा, और दूसरे जो है वो 12 डोजन डॉग्स, मतलब 12 डॉग्स ना, 12 डॉग्स उसने देखे. पॉर डाउन ऑफ साइड एलिस
एंड वो टेयरिंग डाउन द रोड आफ्टर हर, और उसके पीछे जो है वो आ रहे थे उसकी तरफ, और उसके पीछे आ रहे थे और ज़्यादा 12 डॉग्स उसने देखे। स्क्रब वॉज ऑलरेडी मूविंग एट अ फुल गैलप, जेरिंग जेरिंग कहते हैं नामोवाफिक जो कि मैश ना हो रहा है, एंड फ्राइटनिंग ऑन द हार्ट अनइवन रोड। अनइवन रोड, अच्छा यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि अब वो जो रोड था ना वो अनइवन था, बिल्कुल प्लेन रोड नहीं था जिसके ऊपर वो भागते तो उस उनकी स्पीड तेज़ होती। अनइवन था मतलब भाग नहीं सही तरह पा रहे थे। देर वॉज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू मेक हिम गो एनी फास्टर, वहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि जो उनको इस काबिल बनाता कि वो तेज़ भाग सकते हैं। राइट, इफ़ ही पैनिक्ड, अगर वो डरता दे वुड बोथ फॉल एट सम पॉट होल। देखा ना कि रोड जो था वो अनइवन था, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था, हर जगह पे जो थे वो वहाँ पे रोड कहीं से टूटा हुआ था कहीं से कैसा था। तो वो अगर वो कह रहे हैं अगर वो डरता दे वुड बोथ, वो दोनों जो थे वो सेम वो किसी भी सुराख में गिर सकते थे। उनके रोड जो अनइवन था, शी लुक्ड ओवर हर शोल्डर अगेन, उसने दोबारा से अपने शोल्डर की तरफ देखा। वेल स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश आवर स्टोरी एंड होप यू विल अंडरस्टैंड इट। टेक केयर एंड अल्लाह।